बहुत आरती जपती है, वो मेरी फेवरेट है। चलो चार टक्के मैं बाना खाने लगा और वीडियो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ऑथेंटिक रेसिपी बनाना बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है और इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 3 अदद बनाना है, तो मुझे 2 बनाना चाहिए। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों के भी हेल्प हो सके। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो इस तरह आपने इसको क्यूब्स में इसकी कटिंग करनी है, इस तरह। एक ही साइज में आपने इनकी कटिंग करनी है। सबसे पहले पैन लें और पैन में थोड़ी सी शुगर डालें, थोड़ी सी डालनी है, 1/2 टीस्पून के करीब। तो अब इसमें ये बनाना जो कटिंग की है इसकी एक लेयर लगा दें सबसे पहले। चलें जी, अब एक बॉल लें और इसमें 2 एग हमें चाहिए, तो 2 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल करने हैं। गर्मी की वजह से देखें किस तरह के अंडे मिल रहे हैं आजकल। टू एग लिए हैं मैंने, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसका आपने एक बैटर सा बनाना है। अब आपने 1 ग्लास इसमें दूध शामिल करना है। अब मुझे 1 कप मैदा चाहिए, तो मैदे को मैं छान लूंगी अच्छे से। जब भी आप मैदा यूज करें तो जरूर उसको छाना करें। 1 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, इसको मैं छान लूंगी। वन कप ही मैंने इसमें मैदा लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अगर मुझे जरूरत और पड़ी तो मैं और डालूंगी इसमें। इसका आपने बैटर सा बनाना है। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर ले, कोई लम्स वगैरह ना इसमें रहे। थोड़ा सा मुझे और चाहिए मैदा, तो मैं इसमें और शामिल करूंगी थोड़ा सा मैदा मुझे और चाहिए, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब और शामिल करूंगी। इस तरह का मुझे चाहिए था बैटर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून इनाफ हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए तवा मैंने इसलिए नीचे रखा है कि जो हमारी आंच है वो इक्वल रहे, इससे बहुत अच्छा नीचे से ये जलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर रखूंगी। चलें जी अब इसमें बैटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आप इसको पकने दें, ये खुद जब ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जब इसको टर्न करूंगी मैं आपको ज़रूर इसको दिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छे से पक गया। आपने जल्दी नहीं करनी, आपने तवे के ऊपर ही इसको पकाना है। तो ये देखें अब मैं इस 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के ग्रीस कर लें। अब पैन को टर्न करना है ना, तो इस वजह से आप इसको ग्रीस कर लें। ये देखें कितने अच्छे से बबल बन गए ऊपर, और ये देखें कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये मैं आपके सामने चेक करने लगी हूँ। ये देखें चेक करें इसको, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। ये देखें जी कितना अच्छे से पक गया है। ये देखें अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। अब फ्लेम को बंद करते हैं। चलें जी अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, और देखें कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और अयान आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देता है अभी। ठहरे मैं पहले आपको चेक करवा दूँ खुद। अभी गर्म बहुत है। ये देखें जी चेक करें, देखें कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का बना है। ये देखें दोनों साइडों से कितना अच्छे से पक गया है। ये चेक करें ज़रा खुद आप, और इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है ना, मैं आपको बस बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त दोनों साइडों से बना। अयान चेक करके बताता है। मामा मैं आ गया, मैं आपके रोज चाहता हूँ मैं वीडियो को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करें। नहीं हो मुझे भी खुशी चाहिए, लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।